तो क्या बता रहे थे? आपका यूथीरिया का दो कोहोर्ट बता दिए, उंगुइकुलेटा एंड ग्लिरिस। द थर्ड कोहोर्ट इज म्यूटिका, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर है, अलग अलग फैमिली है, इसमें एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर का नाम है सिटेसिया। सो दीज आर द मरीन मैमल्स, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स बिलोंग टू दिस। ओके, सिटेशियंस। तो आराम से याद हो गया, आपको समझ में आ गया, एक ही है इसमें, म्यूटिका सिटेसिया। अब आ रहे हैं लास्ट कोहोर्ट, फोर्थ वन, जिसका नाम है फेरुंगुलेटा। इस फेरुंगुलेटा कोहोर्ट को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट सुपर ऑर्डर्स, पांच सुपर ऑर्डर हैं। पहला का नाम है फेरे फेरे फेरे, FERAE, फेरे। फेरे फेरे ऑर्डर में है आपका, देख लीजिए क्या क्या है इसमें। नहीं, ये गलत टीचर। कार्निवोरस मैमल्स, टाइगर, बियर, ये हो गया आपका लकड़बग्घा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइना। ओके, फॉक्स, ये भी बियर, तेंदुआ, ये सब आपका फेरे ऑर्डर में। नहीं, देखते हैं और एक एक करके। फेरे ऑर्डर, एग्जाम्पल्स ऑफ फेरे ऑर्डर, फेरे ऑर्डर, फेरे एनसाइक्लोपीडिया। कोहोर्ट फेरेंगुलेटा इज सुपर ऑर्डर दैट कंप्राइज द एक्सटिंक्ट ऑर्डर, ये सब। ये तो फेरेंगुलेटा का है। फेरेंगुलेटा में आपका बहुत सारे ऑर्डर है ना, अलग अलग कोहोर्ट, उसमें बहुत एक्सटिंक्ट भी हो गया है, कुछ लिविंग है, तो हम उसको वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे फेरे सुपर ऑर्डर जो है, ये सब सुपर ऑर्डर है कोहोर्ट के, फेरेंगुलेटा कोहोर्ट के सुपर ऑर्डर्स हैं आपके पांच। फेरे नंबर वन, फेरे नंबर टू प्रोटोंगुलेटा, नंबर थ्री पिनंगुलेटा, नंबर फोर मिसेक मिसेक सोनिया, और नंबर फाइव पैरेक्सोनिया। तो फेरे सुपर ऑर्डर में सिर्फ एक ऑर्डर है, जिस जो कि है आपका कार्निवोरा, ठीक है ना, कार्निवोरा ऑर्डर का एग्जाम्पल आप जान लीजिए। कार्निवोरा में ये सब है, Carry. कार्निवोरा ऑर्डर। कार्निवोरा यानी ये फेरे में सिर्फ एक ही सुपर ऑर्डर में सिर्फ एक ही ऑर्डर है। फेरे सुपर ऑर्डर में एक एक्सटिंक्ट वाला है, नहीं, सो वन सेकेंड, फेरे में सिर्फ एक ही ऑर्डर है कार्निवोरा, जो कि लिविंग है, और कार्निवोरा में आपका ये शेर, चीता, भालू सब है। ओके, एंड नाउ द सेकेंड सुपर ऑर्डर इज प्रोटोंगुलेटा। प्रोटोंगुलेटा सुपर ऑर्डर में आपके पांच ऑर्डर्स हैं, जिसमें से चार ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो गया, एक ही लिविंग है। लिविंग वाले का नाम है ट्यूबू
ट्यूबुली डेंटाटा, ट्यूबुली डेंटाटा स्पेलिंग है TUBULIDENTATA, ट्यूबुली डेंटाटा। और एक्सटिंक्ट वाला जो सब है उसका नाम है कॉन्डी लार्थेरा लार्थरा कॉन्डी लार्थरा नोटुंगुलेटा लिटोटर्ना एस्ट्रा एस्ट्रेपोथेरिया, ये चार हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। हम देखते हैं ट्यूबुलीडेंटाटा का एग्जाम्पल, ट्यूबुलीडेंटाटा, नाम भी टंग ट्विस्टर, कैपिटल कैपिटल एफ ट्यूबुलीडेंटाटा, जैसे लिखा वैसे पढ़ेंगे, टूबू कैपिटल ई ली कैपिटल एम डेंटाटा, टूबुलीडेंटाटा, ये है ट्यूबुलीडेंटाटा ऑर्डर। इट्स एन टीचर सर हाँ क्या हुआ, आ रहा है, दिख रहा यस है, सर इसको शायद एन टीचर बोलते हैं क्या बोली, एंटीटर, हाँ ठीक सही बोले, गुड, दीज आर द एंटीटर्स। दीज मैमल्स आर नॉक्टर्नल विथ ए बिग लाइक बॉडी बिग ईयर्स एंड ए लॉन्ग स्नाउट दैट इज यूज टू फीड ऑन एंट्स एंड टर्माइट्स, दीज आर द एंट ईटर्स। ओके, ये बिलोंग कर रहा था किससे, प्रोटोंगुलेटा से, सुपर ऑर्डर प्रोटोंगुलेटा। इसमें चार एक्सटिंक्ट हो गए, एक जो अभी है ट्यूबुलीडेंटाटा, वो ये है एंटीटर। अब इसी कोहोर्ट में फेरंगुलेटा कोहोर्ट का जो थर्ड सुपर ऑर्डर है नाम है पिनंगुलेटा। इस पिनंगुलेटा में आपके हैं सात ऑर्डर, हायरेक्वाइडिया, प्रोबोसिडिया, पैंटोडोंटा, डायनोसीरेटा, पायरोथीरिया, एम्ब्रीथोपोडा एंड लास्ट वन साइरेनिया। इस सात ऑर्डर में से, पिनंगुलेटा सुपर ऑर्डर के सात ऑर्डर में से आपके चार जो हैं एक्सटिंक्ट हैं, यानी पैंटोडोंटा, डायनोसिरेटा, पायरोथेरिया, एम्ब्रीथोपोडा, ये चारों एक्सटिंक्ट हैं। तो लिविंग कौन है, हायरेक्वाइडिया, प्रोबोसिडिया एंड साइरेनिया, ये तीन एक्सटिंक्ट है, सात में से आपके तीन एक्सटेंट हैं एंड चार एक्सटिंक्ट हैं। तो हम देखते हैं जो एक्सटेंट वाला है उसका एग्जाम्पल, हायरे क्वाइडिया को पहले देखते हैं। हायरे क्वाइडिया स्पेलिंग देखते जाइएगा आप लोग, कैपिटल कैपिटल टी हायरे क्वाइडिया। हायर एक्वाइडिया, दीज आर द हायर एक्वाइडियंस। क्या नाम है इसका, हायर क्या नाम है इसका, लिविंग एक्सेप्ट साउदर्न
ट्री हायरक्स इंडिया में नहीं है ये लगता है, इंडिया में नहीं मिलता है। और ये एलिफेंट का रिलेटिव है। एरिक्वाडियंस हायरेक्स, एग्जाम्पल हायरेक्स। हायरेकोडिया ऑर्डर, हायरेकोडिया एग्जाम्पल्स। There are three major species: the cape or rock hyrax, the gray-yellow spotted or bruce hyrax, and the tree hyrax. Hyrax ही है, तीन तरह का hyrax, एक ही example hyrax का अलग अलग तरह का है। तो आप देख लीजिए, ये हो गया आपका hyracoidea belonging to pinnungulata super order, belonging to Pharyngulata cohort, belonging to Eutheria infraclass, belonging to Theria subclass, belonging to Mammalia class. अब आपका the next order is Proboscidea, जो कि living है। Proboscidea, spelling गौर कीजिएगा। The example. Proboscidea, Proboscidea examples. ये भी अभी living है, और Proboscideans are elephants, ठीक है, हाथी सब तो Proboscideans है, and other Proboscideans are mainly, I think, elephants are the only proboscideans. क्या? All kinds of proboscideans. I want classification हो गया, तो इतना ही है. Sir, elephants ही है, sir. सिर्फ elephants ही है proboscideans ना? Good. ठीक है. अब चलते हैं हम next में. अब तीसरा जो बचा हुआ है, नाम क्या है? साइरेनिया। साइरेनिया, साइरेनिया, साइरेनिया का एग्जांपल्स Sirenia, commonly referred as sea cows. अच्छा, ये भी मरीन है, and are fully aquatic herbivorous mammals that inhabit swamps, rivers, estuaries, marine wetlands and coast marine waters. Okay, these are also marine mammals, elephant के लिए यहाँ पर निकला और उसी से फिर common structure से sirenia आया यहाँ। Okay, दूसरा कौन सा था marine animal? Marine mammal. व्हेल, व्हेल और डॉल्फिन तो है, किससे बिलोंग करता था? कौन सा ऑर्डर में था? सिटेसिया ऑर्डर में था ना, सिटेसिया एक ही ऑर्डर, म्यूटिका, म्यूटिका कोहोर्ट में एक ही ऑर्डर सिटेसिया है। ओके, यूथेरिया के म्यूटिका कोहोर्ट के सिटेसिया ऑर्डर में वो थे। और ये जो है सी काउस जो है Pharyngulata cohort के थर्ड जो लिविंग ऑर्डर है साइरेनिया। अब हो गया आपका ये खत्म। क्या
क्या चीज, पिनंगुलेटा, ठीक है ना, फेरंगुलेटा का पांच सुपर ऑर्डर में से तीसरा सुपर ऑर्डर पिनंगुलेटा हो गया सायरेनिया के बाद। अब चौथा है मिसेक्सोनिया और पांचवा है पैरेक्सोनिया, मिसेक्सोनिया सुपर ऑर्डर एंड पैरेक्सोनिया सुपर ऑर्डर, फिर एंगुलेटा कोहर्ट का है। तो मिसेक्सोनिया का भी एक ऑर्डर है जो लिविंग भी है, लिविंग है, एंड पैरेक्सोनिया का भी एक ऑर्डर है लिविंग। पैरेक्सोनिया का आर्टियोडेक्टिला एंड पेरिसोडेक्टिला, पेरिसोडेक्टिला है मिसेक्सोनिया का। तो पहले हम लोग पेरिसोडेक्टिला देखें, डेक्टिला देखेंगे, पेरिसोडेक्टिला स्पेलिंग देखिएगा, पेरिसो सायरेनी, पेरिसोडेक्टिला, पेरिसोडेक्टिला। हम क्या मिस्टेक किए, पी ओ डबल आर दे दिए, डबल एस होगा, पेरिसोडेक्टिला। अब ठीक है, पेरिसो, पेरिसोडेक्टिला। एग्जाम्पल्स आर क्या क्या है, हॉर्स, राइनोसोर्स, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स। यस सर, ज़ेब्रा, ठीक है ना, डोंकी, ये सब एग्जाम्पल होगा, पेरिसो डिक्टेला। लोलैंड टैपिर, जिब्रास, गधा, एसेस, वाइल्ड एसेस, हॉर्स, ये सब हो गए आपके। तो ये क्या है, हर्बीवोर्स है, ठीक है। पैरिसो डेक्टिला। अब फिनंगुलेटा का लास्ट सुपर ऑर्डर पैरेक्सोनिया नाम है, पैरेक्सोनिया सुपर ऑर्डर, और ऑर्डर का नाम है आरती, आरती याद रखेगा, कोई ना कोई फ्रेंड का नाम आरती होगा आपका, आरती ओडा ओडेक्टिला, आरती ओडेक्टिला। पेरिस को लगा के आरती कर दो, आरती, इसमें है आपका कैमल, डियर, जिराफ, गोट, ठीक है। तो ये हो गए आपके इवेंट टोड उंगुलेट, उंगुलेट में इवेंट टोड उंगुलेट्स। These are आरती डेक्टिला। आप देख लिए मैमिलिया का कितना क्लासिफिकेशन, और ये हम चार्ट लगा भी दिए हैं, आपको याद रहेगा आपके रेफरेंस के लिए, ओके। अब आगे इवोल्यूशन में पढ़े बढ़े हम लोग, इसमें कुछ कुछ पूछने जैसा तो है, कुछ पूछने जैसा है क्या, कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? अच्छा ठीक, स्क्रीन को, वो आपका स्क्रीन डिफरेंट है अभी, आपको ये दिख रहा होगा। नाउ आई स्विच टू द अदर स्क्रीन, ओके, ये वाला दिख रहा है आपको, इज दिस विजिबल टू यू? ओके, यस सर। मैमिलिया का क्लासिफिकेशन आप समझ गए, ओके? अब हम बढ़ते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ मैमिलिया का, ठीक है, सॉरी वन सेक।
थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख रहा है मेरा। What are the derived characters of mammals? One may ask. क्यों बोलेंगे derived character? क्योंकि mammals का और reptilia जो है एक common ancestor से निकला। एक lineage reptilia हो गया, एक lineage आपका synapsid जो ancestors थे वो mammalia बन गए। तो उसी ancestor से जिससे reptilia भी निकला, mammalia भी जिसका एंसेस्टर था, उसमें जो करैक्टर्स थे वो करैक्टर मैमल्स में भी मॉडिफाइड हो गए हैं, बट उसका ओरिजिन जो है वो वही है, डिराइव्ड है, बट दे आर इन मॉडिफाइड फॉर्म बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी अडेप्टेशंस। अब देखते हैं वो कौन से करैक्टर्स हैं। द डिस्टिंक्टिव करैक्टर फ्रॉम विच मैमल्स डिराइव देयर नेम इज देयर मैमरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस मिल्क फॉर ऑफस्प्रिंग। अब कहोगे ये स्पेस सेकेंडरी करेक्टर डिराइव्ड है, ओके कैसे है? मैमरी ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ओके। अर्ली जो साइनेप्सिड्स थे उसमें स्वेट ग्लैंड डेवलप हुए होंगे, एंड वन ऑफ द स्वेट ग्लैंड गॉट मॉडिफाइड इन टू द मेमरी ग्लैंड, ओके। सो ऑल मेमेलियन मदर्स और जितने भी मैमल्स हैं उसमें जो मदर्स हैं, दे नॉरिश देयर यंग विथ मिल्क, एंड इट इज ए मिल्क इज ए बैलेंस्ड डाइट, ओके। जो काम योग का था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओके, वो काम अब प्लेसेंटा कर रहा है यहाँ पर। फिर आफ्टर बर्थ जो है इसमें एक सेकेंडरी सप्लीमेंट जो है रिच इन फैट sugar, proteins, minerals and vitamins that is supplied to the offspring. Milk is very unique substance. Okay. कोई बता सकता है milk? अच्छा है. Milk क्या है? Compound है कि mixture है? Substance का तीन category होता है ना? Element, type of substances. घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका सातवां या आठवां क्लास का साइंस का बुक उठा के देखना। सब्सटेंस तो लिखा होगा एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो व्हाट इज अ मिल्क? व्हाट इज मिल्क? इज इट अ कंपाउंड और इज इट मिक्सचर? ओके मिक्सचर, ओके। सो इफ मिल्क इज मिक्सचर, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज दिस? मिक्सचर भी बहुत तरह का होता है ना। एक तो मिक्सचर है भुंजा, आप खाते भी हो, तो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर सर। करेक्ट, होमोजेनस। सो इफ मिक्सचर इज होमोजेनस एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, इन द लिक्विड, सो इट इज होमोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस मतलब सब जगह उसका कंपोजिशन जो है उस मिक्सचर का, ऊपर से हम ले चाहे नीचे से हम एक ड्रॉप ले, विल बी द सेम। लेकिन फिर कहोगे कि सर गर्म करते छाली पड़ता है ऊपर में, नीचे बैठता है, फैट लेयर अलग होता है। तो वो आप क्या किए, मिल्क को ट्रीट कर दिए, आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे दिए ना, मिल्क को खोला दिए, तब जाके हुआ वो, मॉडिफाई किया आप उसको। जब वो निकला मेमोरी ग्लैंड से, दैट टाइम इट वाज होमोजेनस मिक्सचर, उसमें सब बहुत अच्छे से मिक्स्ड है। तो इसीलिए मिल्क इज वेरी एंड इट इज हाईली कंसंट्रेटेड आल्सो। कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट बना नहीं सकता है, आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। इट इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एंड होमोजेनस मिक्सचर। चार पांच अलग अलग तरह का प्रोटीन को लेकर के आप लेबोरेटरी में हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होमोजेनस मिक्सचर बना के देखो, नहीं होगा, बट इट इज थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन। सो ओके, सो ये एक इवोल्यूशन हो गया मेमोरी ग्लैंड।
Second is hair. This is another mammalian characteristic. And a fat layer, a layer of adipose tissue beneath the skin, because that layer helps the body to retain heat. पता नहीं मेरे को अंदर से वो बुकाई जैसा आ रहा है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा ये हो रहा है. Anyway, चलो. Another and fat layer under the skin. Okay. तो help the body retain heat. तो ये क्या है आपका? Endothermic है. तो इसलिए इसको ये secondary adaptation हुआ. इसे help मिल रहा है body heat को retain करने के लिए. Like birds, mammals are also endothermic and most have a high metabolic rate. Efficient respiratory and circulatory system भी है इसका. किसके मुकाबले में? Reptilia के मुकाबले में, या उसके पहले amphibia के मुकाबले में, इसका respiratory system और circulatory system efficient है. Metabolic rate high है. Heart जो है four chambered है. Okay. And a seat of muscle. Haan, this is also a very important. A seat of muscle called the diaphragm helps ventilate the lungs. Okay, mammals mein diaphragm hote hain. Diaphragm ka kya kaam hai? Anybody? What is the function of diaphragm? How does it give the advantage to you? इसको समझना जरूर. क्यों आपको इससे क्या फायदा है? किसी एक चूहा का आप डायफ्राम निकाल दो, डाइसेक्शन करके. करना मत, मर जाएगा बेचारा. लेकिन मान लिया अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सांस ले पाएगा? डायफ्राम कैसे मदद करता है सांस लेने में? हाउ डज द डायफ्राम हेल्प इन द रेस्पिरेशन? सर, एरिया इंक्रीज करके. नो कुंदन, एरिया तो इंक्रीज करता है आपका एल्वियोलाई. एल्वियोलाई आर द एयर सैक्स इन विच द एयर विल बी फिल्ड. देखो समझो इस बात को, फिजिक्स है. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में मदद करता है. यू आर पार्शियली करेक्ट, बट अभी हम बता रहे हैं इनहेलेशन में नहीं करता है मदद. ओके, ह्यूमन बीइंग्स के इनहेलेशन में तो मदद करता है ना. किस में? नहीं समझ में आया, क्या बोले आप? क्लियर बोलो, आवाज नहीं आई ढंग से. देखिए डायफ्राम जो है, आप इनहेल तो कर लेते हो, ओके, लेकिन एक्सहेल करने के लिए डायफ्राम जब रिलैक्स होगा, एक्सहेल करने के लिए अंदर से पुश कौन देगा कि हवा बाहर निकले? एयर सैक में एयर इज फिल्ड. पर्टिकुलर टाइप स्ट्रोक में लकवा मारता है कभी कभी, तो डायफ्राम पैरालाइज हो जाता है. डायफ्राम पूरा मसल मस्कुलर होता है, पैरालाइज हो जाता है डायफ्राम. तब क्या करना पड़ता है? वेंटिलेटर पर लगाना पड़ता है पेशेंट. ओके, क्योंकि लंग जो है, लंग में जब हवा भर गई आपके एल्वियोलाई में, तो उस गुब्बारा है, गुब्बारा से अब हवा बाहर निकलेगी, उसको पीछे से पुश देना पड़ेगा. फूला हुआ है अपने आप भी, अगर गुब्बारा को छोड़ उससे अपने आप भी कुछ हवा निकल जाएगी, लेकिन कुछ हवा जो है उसके अंदर भी रह जाएगी. हमको क्या चाहिए? पूरी तरह से वो पिचक जाए, और फिर जब हम इनहेल करें तो फिर इनहेल किया हुआ फ्रेश एयर की वजह से वो पूरी तरह से फूले, फील्ड हो, उसमें फ्रेश एयर, हर बार फ्रेश एयर फील हो. तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक अंदर से प्रेशर एग्जर्ट हो, ताकि एक्सहेलेशन में मैक्सिमम एयर जो है आपके एयर सैक में जो है वो बाहर चला जाए. यही डायफ्राम का काम है. और ये गड़बड़ अगर हो जाएगा, हो जाता है डायफ्राम,
मसल तो आदमी हाफने लगता है, मतलब एक बार सांस तो ले लिया, वो छोड़ नहीं पाता है, और फिर वो जो लिया हुआ सांस है उसमें फिर और धीरे धीरे ऑक्सीजन डिप्लीट होते चला जाएगा, फिर ब्रीदलेसनेस हो जाता है, तो उसको चेस्ट को पंप पुश करना पड़ता है ऊपर से, ताकि छोड़े हवा मुंह से बाहर छोड़े, वो निकाले अंदर का हवा जो दैट इज रिच इन CO2, फिर मुंह से फ्रेश हवा दिया जाएगा उसको। ओके, तो डायफ्राम का इम्पोर्टेंट फंक्शन इसलिए इतना बताया। लाइक बर्ड्स, मैमल्स जनरली हैव ए लार्जर ब्रेन देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ द इक्विवेलेंट साइज। बर्ड्स में आपको बताए थे ब्रेन का साइज लार्ज हो गया था रेप्टिलिया से, और इसी तरह हमारे जो एंसेस्टर थे साइनेप्सिड एंसेस्टर, उसमें भी ब्रेन जो थे लार्ज थे। एंड मेनी स्पीसीज आर कैपेबल लर्नर्स, वो सीखते भी बहुत जल्दी हैं, कैपेबल लर्नर। बर्ड भी देखोगे जल्दी सीखता है, कौआ सबसे चालाक पक्षी को माना जाता है, तोता देखो कितना जल्दी सीख लेता है नकल करना। इसी तरह और अदर बर्ड्स भी, उस सब में लर्निंग कैपेबिलिटी होते हैं। एंड एज इन बर्ड्स द रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पैरेंटल केयर भी होता है। ओके, बर्ड्स में भी पैरेंटल केयर है, बर्ड्स ले देयर एग्स, उसको फिर क्या करते हैं, ले करने के बाद उसको इनक्यूबेट करती हैं बर्ड्स, सेती हैं, सेने के बाद जब हैच किया तो क्या करती है, चूंकि अब वो अभी तो बच्चा है उड़ तो सकता नहीं है, रेप्टिलिया के केस में क्या था, हैच किया, तुम कहाँ हम कहाँ जाओ, बच्चा से रिलेशन खत्म। फ्रॉग में हैच किया, टैडबोल कहाँ, वो अपना स्विमर होता है निकल गया, कोई मतलब नहीं पेरेंट्स से। लेकिन पैरेंटल केयर धीरे धीरे होगा, आपके सिलेबस में कहीं हम पढ़ाएंगे पैरेंटल केयर जो है धीरे धीरे, जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, पैरेंटल केयर भी इवॉल्व हुआ। तो बर्ड में, बर्ड में देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा आ गया जो कि हमारे मैमल से सिमिलर है। ब्रेन साइज बड़ा हुआ बर्ड में, फोर चैम्बर्ड हर्ट हुआ, हम भी एंडोथर्मिक है, बर्ड भी एंडोथर्मिक है। ओके, एंड बट दे हैव एफिशियंट सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी बोथ हैव, बिकॉज वी बोथ हैव वेल डेवलप्ड डायफ्राम। ओके, बर्ड्स में हेयर नहीं था बट मैमल में हेयर है, बर्ड में मेमरी ग्लैंड नहीं था बट हम में है, बर्ड और ये सब कैरेक्टरिस्टिक बर्ड से थोड़ा सा डिसिमिलर है बट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर। पैरेंटल केयर जो है ये डेवलप होना शुरू हो गया था उसी समय आना। अब बर्ड क्या करेंगे, हैच करने के बाद अपने यंग वंस को दे विल फीड, बाहर से दाना चुप के लाएगी उसको खिलाएगी, फिर घोंसला में बड़ा होगा, देन बड़ा होने के बाद भी उसको फिर उड़ना सिखाती है। ओके, द टाइम फॉर ऑफस्प्रिंग टू लर्न इम्पोर्टेंट सर्वाइवल स्किल्स बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स। पैरेंटल केयर की वजह से क्या होता है, जो उन्होंने जीवन में सीखा अपने पेरेंट्स अपने अनुभव के द्वारा वो ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उसको फिर से टाइम नहीं लगाना पड़े ये सब चीज सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ स्प्रिंग्स टू लर्न इम्पोर्टेंट सर्वाइवल स्किल्स बाय ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स। डिफ्रेंसिएटेड टीथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैमल का। रेप्टिलिया में टीथ जो थे वो सब एक जैसे थे, बर्ड में तो टीथ था ही नहीं, जिसमें टीथ था वो एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन मैमल्स में टीथ अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ टीथ केनाइन टाइप का है, यानी दे आर केनाइन, सम आर इंसीजर्स, सम आर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डिफ्रेंशिएटेड टीथ आर अनदर इंपॉर्टेंट मैमेलियन ट्रेट, वेयर एज द टीथ ऑफ रेप्टाइल्स आर जनरली इन फॉर्म इन साइज शेप एंड शेप। The jaw of mammals bear a variety of teeth with size and shapes adapted for chewing many kinds of foods. Okay? बहुत तरह का फूड है तो उसके लिए अलग अलग तरह का टीथ डेवलप हो गया। तो अलग अलग तरह का टीथ डेवलप होने का वजह भी था यही डायनासोर, थैंक्स टू डायनासोर। डायनासोर जब क्रिटेशियस में मास एक्सटिंक्शन हुआ, डायनासोर सब
क्योंकि अर्थ पर बहुत ज्यादा मात्रा में डायनासोर थे और दे वेर एबंडेंट एंड एज वेल एज देयर बॉडी साइज वाज आल्सो ह्यूज। तो जब ये मरे तब क्रिटेशियस के एंड में तो लाशों का अंबार छा गया था धरती पर इनके डायनासोर्स के, ठीक है। और ये दशकों तक रहा, बरसों तक चलता रहा, कोई आज मरा, कोई कल मरा, कोई परसों मरा, ऐसे करके 10 साल 20 साल चल रहा है डायनासोर, और अंत में सबके सब खत्म हो गए डायनासोर। लार्ज बॉडी साइज से जो पहले फायदा हो रहा था अब उनको नुकसान था, क्योंकि आकाश से बहुत सारा आग का गोला बरस रहा था उस समय, बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराया था। तो धीरे धीरे डायनासोर मरते गए, तो इस क्रम में क्या हुआ कि पूरा डेड बॉडी आ गया। तो जब डेड बॉडी आ गए मतलब बहुत सारा हो गया धरती पर, तब उसके पीछे आए इंसेक्ट खाने के लिए उनको। कौन मैसेज कर रहा है? Somebody is messaging me। मेरे घड़ी में वाइब्रेशन होते रहता है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि अभी कौन मैसेज कर रहा है मुझे। एनीवे मैं लास्ट क्लास के लास्ट में देखूंगा। अगर आप लोगों में से कोई मैसेज कर रहा हो इस टाइप का तो क्लास के बाद मैसेज किया करो, बीच में कोई दिक्कत नहीं। ओके अब आगे देखते हैं। तो अभिलाषा कर रही है, उसका नेटवर्क स्लो चल रहा है। अच्छा तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क स्लो चल रहा है तो ये रिकॉर्डेड सेशन देख लेगी, है ना, बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है ना। हम रिकॉर्डेड तो अपलोड करते ही है ना, उसमें तो कोई वो नहीं रहता है। आप लोगों यस सर। को रहता है क्या रिकॉर्डेड सेशन में भी डिस्टरबेंस रहता है क्या, इंटरप्शंस होते हैं क्या उसमें, या वो कंटिन्यूअस होता नो सर, नो सर, है? ओके तो वो आप कंटिन्यूअस। देख लेंगे, है ना। तो कहाँ थे हम? तो डायनासोर जब डेथ हुआ उनका तो उसके पीछे उनको खाने के लिए इंसेक्ट आए। इंसेक्ट जब आए बहुत सारे इंसेक्ट हुआ, इंसेक्टा क्लास का फिर इवोल्यूशन हुआ बहुत, उसमें अलग अलग स्पीसीज बने। उसी चक्कर में डायनासोर को खाते रहे वो डेब्रिस सब,